दोस्तों आज हम बात करेंगे अपना रेलवे के बारे में। अपना रेलवे यानी कि इंडियन रेल। इंडियन रेल के बारे में आज कुछ बातें यहाँ पर होने वाली है। इंडियन रेल जो है ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल है, जो कि 121,407 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है इसकी पटरियाँ। जरा अंदाजा लगाइए, 121,407 किलोमीटर, वाह क्या बात है। तो यहाँ हम सब जानते हैं ट्रेन में हैंडीकैप के लिए एक अलग कोटा आता है ना, हैंडीकैप के लिए अलग कोटा आता है, वीआईपीस के लिए फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एसी होता है, स्लीपर क्लास आम आदमी के लिए होता है, साथ में जनरल डिब्बे भी होते हैं, और इसमें कैंसर पेशेंट्स के लिए भी एक अलग कोटा होता है। लेकिन क्या आपको ये पता है, अगर आपके साथ एक पेशेंट है तो इस पेशेंट को आप लेकर कैसे जाओगे ट्रेन में? क्योंकि हम सब जानते हैं भाई 120 दिन पहले टिकट सारे ख़त्म हो जा रहे हैं। तो अगर आपके पास अब बीमारी तो बोल कर नहीं आती है, अचानक से अगर किसी को कुछ हो जाता है और कहीं जाना पड़ता है दूर और ट्रेन का सहारा लेना पड़ता है ऐसे में, तो कैसे आप करोगे? क्या आपके पास इसका कोई उपाय है, कोई ऑप्शन है? मेरे पास भी थोड़ा देर पहले नहीं था, फिर मुझे लगा कि इस बारे में एक वीडियो तो ज़रूर बनता है। मैंने कई सारे टूर एंड ट्रैवल वालों से बात किया कि भाई इसका क्या है, कुछ सॉल्यूशन है, तो आप जानते हो, आपने कभी किसी का किया है तो वो आप मुझे बताओ। तो उनका कहना था कि नहीं सर, इसके बारे में तो हमें कुछ पता नहीं है। तो फिर मैंने एक इंक्वायरी में पूछा, रेलवे इंक्वायरी में, उनका कहना था कि आप अपने जो आपके पेशेंट है प्रेस्क्रिप्शन लेकर के पीआरएस काउंटर में जाइए, वहाँ हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और वो भी श्योर नहीं थे, उनका कहना था हाँ होना चाहिए, हो जाएगा, आप जाके एक बार ट्राई कर लो। तो मैंने बोला अच्छी बात है। IRCTC से मैंने बात किया कि सर यहाँ कुछ है ऐसा? तो IRCTC का कहना है सर इस तरह का तो हमें कुछ नॉलेज नहीं है, ऐसा होता होगा हमें पता नहीं, आप एक बार रेलवे इंक्वायरी में या फिर रिजर्वेशन काउंटर से जाके बात कीजिए। तो हो क्या रहा था मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तब मैं इंटरनेट पर सर्च करने लगा कि शायद यहाँ से मुझे कुछ मिल जाए और वो मैं आपको बता सकूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा चीज़ देखा, वो मैं अभी आपको यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ। उदय फाउंडेशन, ये एक NGO है, ये एक ट्वीट करते हैं 4 फरवरी 2016 को सुरेश प्रभु को, इन्होंने लिखा है प्लीज हेल्प दिस पेशेंट नीड अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट इन दिल्ली, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। इसका मतलब है इनके पास एक ऐसा पेशेंट है जिसके लिए टिकट नहीं मिल पा रहा है और इनको टिकट चाहिए, तो इन्होंने सुरेश प्रभु को ट्वीट किया। तो ये जो नंबर है, इस नंबर पर मैंने इनको कॉल किया, अभी शाम को कॉल किया, मैंने उनको पूछा कि सर क्या बात है, इस तरह का आपने एक ट्वीट किया था, तो कुछ हेल्प आपको मिला, कुछ मदद मिला? तो उनका कहना था कि जी हाँ, तुरंत एक दिन के अंदर हमें टिकट्स मिल गए और उस पेशेंट को सही सलामत हम पहुँचा पाए मेडिकल में। तो मैंने कहा अगर मुझे अभी चाहिए तो मैं क्या करूँगा? तो उनका कहना था आप भी एक बार ट्राई करो, हो सकता है अगर वो लोग उतने एक्टिव होंगे तो हो सकता है आपको रिप्लाई आ जाए, आगे मैं नहीं कह सकता हूँ। तो बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हुई, मुझे लगा इसका जो पक्का जानकारी है वो मुझे रिजर्वेशन काउंटर से ही पता चल पाएगा। तो मैं चला गया रिजर्वेशन काउंटर, मैंने उनसे वहाँ पे पूछा कि सर को मेरे पास अगर एक पेशेंट हो और मुझे इमरजेंसी में जाना हो तो क्या करूँगा मैं, कैसे मुझे टिकट मिलेंगे, टिकट तो यहाँ पे 4 महीने पहले ही ख़त्म हो रहे हैं। तो उनका कहना था सर यहाँ कोई वे नहीं, अगर कैंसर पेशेंट है तो इसके लिए हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे ही कोई पेशेंट है तो हम नहीं कर सकते। तो मेरा एक सवाल था वहाँ पे उनसे, मैंने पूछा कि सर अब मैं कैसे क्या करूँ, सिर्फ कैंसर पेशेंट ही हो मेरे घर में, ऐसा कैसे हो सकता है? पेशेंट तो पेशेंट होता है भाई, बीमार आदमी बीमार होता है। अब बीमारियों में मैं चुन के लाऊं कि उस बीमारी को आप ले जाओ, ट्रेन में ट्रैवल करवा पाऊंगा या फिर इस बीमारी को नहीं हो पाएगा, तो ये क्या चीज़ है, ऐसा क्यों, ये नियम क्यों है? तो उनका कहना था कि सर सिस्टम जो है सिस्टम है, और ऐसे ही पेशेंट के लिए हमारे पास कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो मैंने उनसे कहा रेलवे के लिए जब अलग से कोटा होता है तो पेशेंट के लिए एक अलग कोटा कर दो, किसी भी तरह का पेशेंट वो प्रूफ कर दे कि वो पेशेंट है तो वो ट्रैवल कर सकता है। तो मैंने उनसे इतना कह के वहाँ से निकला। तो मुझे ये बहुत ही दुख हुआ जब मैंने पहली बार सुना कि इंडियन रेलवे जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल है, तो बहुत खुशी हुई थी, साथ में ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि यहाँ पेशेंट के लिए कोई सीट नहीं है, कोई जगह नहीं है, और अगर है तो क्यों ये लोग मुझे बता नहीं रहे? तो क्या इसके लिए हमें ट्वीट ही करना पड़ेगा? क्या यही एक जरिया है कि हमें सीट चाहिए कोई पेशेंट को ले जाने के लिए इमरजेंसी कंडीशन में, तो हम ट्वीट करेंगे और इंतज़ार करेंगे ट्वीट में कब रिप्लाई आता है? तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ये चीज़ें सही है, इस तरह से होना चाहिए? अगर आपके आपको कोई पेशेंट को लेकर के जाना है मेडिकल, तो आप पहले ट्वीट करोगे, फिर इंतज़ार करोगे ट्वीट का रिप्लाई का, फिर आएगा आपके पास सीट तो आप जाओगे पेशेंट को ले जा करके। क्या ये चीज़ें इस तरह से चलना चाहिए, क्या यही सिस्टम है, क्या इसको बदला नहीं जा सकता है? जो भी आपका राय है आप वो आप मुझे कमेंट करके कहिए। आपके
कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा फैलाइए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है यहाँ कुछ और जानकारी हमें मिल सके, कुछ और सुविधा हमें मिल सके। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, जानकारी को दूसरों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपका कोई भी राय, कोई भी सुझाव, कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल बनाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख सको। और हाँ, सोशल मीडिया के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उससे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई वीडियो, नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।